जस्ट लुक एट दिस, क्या डेप्थ है, क्या डेप्थ है। जय माँ शेरावाली, जय माता दी, क्या मस्त जगह पे मंदिर है। यहाँ पे वैसे भगवान की याद आ रही होती है। दिस इज नॉट अ प्लेस फॉर द पीपल विद लेसर हार्ट। जो ग्रीन हट सी नजर आ रही थी वो ताज है, तो उसका व्यू वाला होटल है, लेकिन उससे बेटर है वो तो दिखता नहीं। इतनी सुंदर वैली का व्यू है ना, और रूम में ना हम सुबह 6:30 बजे से उठ के बैठे हुए हैं, गप्पे मार रहे हैं। ये है हमारा रूम, छोटा सा कोजी सा रूम है। सामान हमारा पैक हो चुका है और उसको हमने नीचे भेज दिया है, और टाइम हो चुका है 9:15 और अब उतर रहे नीचे, तो करते नए दिन की शुरुआत। सो व्हाट्स अप माय लवली पीपल, सत श्री अकाल, की हाल चाल, कैसे मेरी वॉन्डलेस फैमिली। तो आज का जो प्लान है, देखो जो प्लान है, मुझे नहीं पता होता क्या है। आज का प्लान ये है कि अभी हम यहाँ से निकल के जाएंगे सांगला, सांगला के बाद देखेंगे अगर हमें लगा तो चितकुल, और चितकुल से चितकुल रुकेंगे या वापस आके सांगला रुकेंगे, बिल्कुल कुछ नहीं पता, कोई अंदाज़ा नहीं है। तो टेरेन सुंदर होता जाएगा, रोड्स थोड़ी सी नैरो होती जाएंगी और थोड़ी सी स्टीप होती जाएंगी बीच बीच में, लेकिन सुंदर होता जाएगा। इट विल बी वेरी 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 ब्यूटीफुल एंड वेरी एडवेंचरस ऑल दिस वाइल। तो मिलते हैं आपसे रोड के ऊपर, बाय। फिर भी हम पूछ रहे जहाँ तक नहीं जाते हो, चश्मा मेरा तो फिर गाड़ी में रह गया। ओह तो मेरा पहन लो, ये लो मेरा पहन लो, और देखना यहाँ पे वीडियो की शुरुआत कर रहे हैं आज इंट्रोडक्शन से। कल आपने बहुत सारे कैरेक्टर्स को देखा है लेकिन आप सबको जानते नहीं है। सो ही इज नवीन जी, इनको आप बहुत बार पहले देख चुके हैं, ये मोस्टली वीडियो में सिर्फ हुर हुर बोलते हैं लेकिन आज ये काफी कुछ बोलेंगे। आज हम बहुत कुछ बोलेंगे, कल भी बोले थे, कल भी हम बोले थे। बाकी अब सब इंट्रोडक्शन अपना अपना देंगे, फिर उसके बाद हम मिलेंगे। चाओ। ही इज मिस्टर आनंद, हाय, एंड अ वेरी वेरी गुड राइडर, थैंक्स बडी। मिस्टर रोहित कपूर, हाय, और पुष्प, और ये भी ना क्या मस्त राइड करते हैं कपल। हम ना एक वो कहानी सुनी थी ना कछुए और उसकी खरगोश वाली, खरगोश है मैं, हरदीप जी और दीपल, हम भागते हैं बाइक भगाते भगाते आगे जाके रुक जाते हैं, ये आराम से 80 की स्पीड में हमारे से बहुत आगे निकल जाते हैं उसके बाद। That's all by chance. This is our first ride. This is their first ride actually. Couple riding first time and that too on such a long trip. Kudos. Thank you. इनको कोई नहीं देखेगा। इनको भी सब जानते हैं। Hi. नीरू जी, और हमारे वेटरन राइडर भी एक हमारे साथ में आए हैं। इन्होंने ले इतनी बार किया हुआ ना कि इट इज़ लाइक अ बैक ऑफ हिज हैंड, कहाँ पे क्या है, खड्डा कहाँ पे है, कहाँ पे स्पीड ब्रेकर है, सब पता है इन्हें। मनोज जी हमारे साथ में है, हाय मनोज जी, हाय। इनका एक्सपीरियंस से हमें काफ़ी कुछ बढ़िया हेल्प मिल रही है, और हमारे राजा बाबू हैं एक, उनसे भी आपको मिलाना है। तो ये है संजय जी, तो हमें सिर्फ एक ही बंदे का डाउट था कि ये सुबह जल्दी तैयार नहीं होंगे, लेकिन इन्होंने हमारा डाउट आज क्लियर कर दिया, ये सुबह जल्दी तैयार नहीं होंगे। तो संजय जी भी फरीदाबाद से ही है और हमारे साथ ही आए हैं, एंड शी इज़ रुचि। संजय जी और रुचि जी, दे आर, आप तो हिल्स में ये वाले टाइप की पहली बार कर रहे हैं, पहली बार कर, तो ये भी पहली बार कर रहे हैं, तो मतलब सोचो हम सारे फर्स्ट टाइमर्स हैं, मनोज जी के सारे कर रहे हैं। अरे जीजा जी, गुड मॉर्निंग। ये जीजा जी के साले जी, जीजा जी हमारे, जीजा जी हमारे नवीन जी, और ये उनके साले जी। बात में बोल दो जी, इन्हें तंग बहुत कर रहे हैं मुझे। जीजा जी को देखो, अगर किसी भी वीडियो में या फोटो में आए ना पीछे खड़े कर रहे, तो ये प्लीज स्पेयर इट, एक आध बुरी आदत होनी चाहिए, एब्स एब्स। तो सर आपका नाम? रंजन जुनेजा। सो मिस्टर रंजन जुनेजा, ये भी वेटरन राइडर है, इन सब के साथ मस्ती लगाते हुए आज निकल रहे हैं यहाँ से। अभी फर्स्ट स्टॉप लेंगे नारकंडा, बिकॉज
ये सब जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, इसको मेरे को बैकअप लेने के लिए मैं अपना मेमोरी कार्ड रीडर ही लाया। तो हम ग्रेट लोग हैं, क्यों दीपल? हम तो भूल जाते हैं, कुछ ना कुछ तो भूल ही जाते हैं। हमारे तो ब्रेक भी फेल हो जाती है, फिर भी हम चले जाते मिलते ऑन द रोड। सो ऑल सेट, टाइम इज 9:57 और 182 किलोमीटर है यहाँ से। यहाँ पे ना अभी आपको मैं दिखाऊंगा, बहुत सारी जगह पे ना पेड़ों को कवर करके रखा हुआ है, उनके ऊपर वाइट वाइट कलर के जालियाँ डली हुई हैं जैसे कपड़े जैसी। यहाँ पे एप्पल्स होते हैं, बहुत सारे एप्पल्स होते हैं, तो एप्पल की प्लांटेशन जो होती है उसको कवर करके रखा जाता है ताकि तेज़ हवाओं से पकने से पहले एप्पल ना टूट जाए और जानवर भी ख़राब ना करें, उसके लिए भी होता है। वो देखिए वो ऊपर है ना, वो लगी हुई, आई गेस नज़र आ रही हो, ये देखो यहाँ पे भी आ गई बिल्कुल पास में। आगे चल के ना जहाँ पे कई जगह पे स्ट्रॉबेरी की भी फार्मिंग होती है तो उसको भी ऐसे कवर करके रखा जाता है। तो ब्रेकफास्ट की ब्रेक लग गई है हमारी, द हिमालयन नेगी ढाबा, द न्यू हिमालयन नेगी ढाबा। चलो यहाँ पे भी आना ही था। तो यहाँ पे अपनी छाप हमने छोड़ दी है और रिक्सिन नेगी, द न्यू हिमालयन नेगी ढाबा के ओनर हमारे साथ खड़े हैं। अभी इन्होंने बताया एग्जैक्टली, कहते हैं ये जगह पे लगाओ, यहाँ से कभी गायब नहीं होगा। और एक छाप हमने यहाँ पे भी छोड़ दी है। तो भाई जो भी यहाँ पे आए, एक तो रिक्सिन भाई से मिलो, कॉफ़ी बहुत बढ़िया होती है, पराठे बहुत बढ़िया है, राजमा बहुत बढ़िया होते हैं, मतलब सारी चीजें बढ़िया हैं, एक्चुअली पनीर भी बढ़िया है। थैंक यू सो मच। तो छाप अपनी छोड़ दी हमने यहाँ पे, वन इज हियर अनदर इज देयर। और सुबह से 4 घंटे में हम सिर्फ 35 किलोमीटर चले हैं, हमारी स्पीड ही बहुत तेज है, गॉड स्पीड, व्हाट टू डू। पानी पीने के लिए और सतलुज रिवर का ये सीन देखने के लिए, जस्ट लुक एट द फ्लो, ब्यूटीफुल। जैसे अब यहां से आगे चले जाएंगे, अभी हमारे साथ बहुत दूर तक रहेगी सतलुज, आगे आएगा खाब, और खाब में होता है कन्फ्लुएंस सतलुज और स्पिति का। तो अभी स्पिति में सतलुज है, अभी इसका कलर जो है वो मडी है और उसका कलर जो स्पिति का है वो बिल्कुल अलग है। तो जब वो कॉन्फ्रेंस आएगा, मैं कॉन्फ्रेंस पे आपको दिखाऊंगा एग्जैक्टली क्या फर्क है, ग्रीन और ब्राउन दो कलर्स दिखेंगे। तो अगर आप देखें तो अब हिल्स का टेक्सचर चेंज होना शुरू हो गया है, अब माउंटेन्स दे हैव स्टार्टेड गोइंग टू मोर ऑफ द रॉकी माउंटेन्स फ्रॉम ग्रीन माउंटेन्स। तो लाइट ग्रीन हो गए और बीच बीच में से सिर्फ रॉकी पैचेस आते हैं। तो अब जैसे जैसे हम स्पिति वैली एंटर करते जाएंगे, ये पूरा टेक्सचर चेंज हो जाएगा, जो अभी हमें हरे 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 पहाड़ नज़र आ रहे थे वो सिर्फ और सिर्फ मिट्टी वाले पहाड़ होंगे और पत्थर वाले पहाड़ होंगे, मेनली पत्थर वाले पहाड़। तो जब वो देखोगे ना, उनका टेक्सचर ही अलग होता है। और यहाँ से ना रोड पतली हो जाएगी और क्लिफ हैंगर सेक्शन शुरू हो जाएगा। क्लिफ हैंगर सेक्शन बेसिकली क्या होता है कि पहाड़ को ना काट के उसके नीचे से रोड निकाली होती है और आपके सिर के ऊपर से पहाड़ जा रहा होता है, मतलब यू फील लाइक यू आर गोइंग थ्रू द माउंटेन। अभी देखना, ये ऑलमोस्ट वही सेक्शन आ चुका है। व्हाट अ ब्यूटीफुल वाटरफॉल, यहाँ तो रुकना बनता है।
Amazing. Let me see. How's the water? मस्त ठंडा पानी है. I'm sorry. I said it's at a GoPro. Yeah. तो यहाँ पे रुके थे वाटरफॉल पे और मस्त मस्त फोटोग्राफ खींची हैं, इंस्टा पे भी डाली हैं. जस्ट लुक एट द वेदर. पानी भी बड़ा मस्त है. पानी भी बिल्कुल गीला है. बहुत गीला पानी है. इतने गीले पानी से हम बच गए. वेदर एट इट्स बेस्ट. सी व्हाट इज देयर एंड जस्ट सी व्हाट इज देयर. मतलब जस्ट सी द डिफरेंस. काले भरे हुए बादल और हम ऑलमोस्ट उनके पास में पहुंचने वाले हैं अभी थोड़ी देर में. तो फाइनली सबकी डिमांड में इतनी सारी फोटोग्राफ्स और वीडियोस बनाने के बाद अब निकल रहे हैं यहाँ से. मजा आ गया लेकिन ये टाइम सही स्पेंड किया हमने. वैसे बाय द वे आपको इंस्टा के ऊपर जाके फॉलो करना चाहिए एक्चुअली, बिकॉज ये पूरी सीरीज की ना सारी फोटोग्राफ्स अपडेट्स इमीजिएटली इंस्टा के ऊपर रहती है. यहाँ पे आती है बाद में और मुझे लगता है यहाँ पे हमें एक एंट्री कराने के लिए रुकना पड़ेगा. Here comes the famous cliffhanger section, जिसकी मैं इतनी देर से बात कर रहा था. सेक्शन ऑफ रोड है यार, एकदम वेल पेव्ड टारमैक, लेकिन यहाँ पे खत्म. देखो एक्चुअली वो ना पिछले 1 किलोमीटर से ऐसी चल रही थी, तो जब तक मैंने कैमरा ऑन किया जैसे ही हवाई जहाज ने स्पीड पकड़ी पटरी खत्म हो गई यार. जैसे मैंने ऑन किया वो सड़क ही खत्म हो गई. वैसी वाली नहीं. ठीक है यार अब क्या करें, जो है सो है. मुझे ऐसा लगता है कि इस जगह पे सबको अपनी लाइफ में एक बार ज़रूर आना चाहिए. मतलब ऐसा कोई बहुत हाई ऑल्टीट्यूड नहीं है कि जहाँ पे आपको ड्राइव नहीं करी जा सकती आपसे, या सांस लेने में दिक्कत हो, या कोई भी परेशानी हो, ऐसा कुछ है नहीं मेरे हिसाब से तो नहीं है. हाँ बस रोड थोड़ी नैरो है, बस वो देख के चलना होता है और तो कुछ नहीं है. चला सकते हैं यार, सब चला सकते हैं. मारो हिम्मत, इस साल नहीं तो अगले साल जिंदगी ना मिलेगी दोबारा मेरे यारा. वाह ये मस्त एक लंबा सेक्शन. वैसे जब हम जाते हैं ना मणिकर्ण साहिब, कुल्लू से मणिकर्ण साहिब की तरफ जब जाते हैं तो भी इसी तरह के क्लिफ हैंगर आता है बीच में एक सेक्शन, और वो इससे भी ज़्यादा नीचे हैं. ये तो काफ़ी ऊँचे हैं. अब ये आगे जाके हो जाएंगे और नीचे नीचे. देखो ट्रक जा रहा है ना, अगर ट्रक थोड़ा और ऊंचा हो ना तो मुझे लगता है निकल नहीं सकता यहाँ से. So this is Karcham Wang 2 HEPS, Baspa 2 HEPS, Hydroelectric Power Station, 300 megawatts and 1000 megawatts. Cool. We'll be right back.
जितना ज़्यादा ब्यूटीफुल है ना जगह, इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल है ना, हम करचम डैम पे खड़े हैं और सच बताऊँ अमेजिंग। अच्छा गाड़ी निकलती ना तो धड़ 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 ये ऐसे बजता है ना, दूर तक आवाज़ आती है इसकी। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल नज़ारा है, ब्यूटीफुल, जस्ट लुक एट दिस। जैसे गाड़ी निकले ना तो इसकी पूरे पहाड़ों में झलक जाती है इसकी, है ना ब्यूटीफुल। तो ये सारी रील्स बना बना के ना मैंने इंस्टा पे भी डाली है, तो इंस्टा पे भी फॉलो करिए और देखिए बहुत सारा कंटेंट है इंस्टा पे। तो जब से हमने ना सांगला के लिए GSW वाली रोड से राइट टर्न लिया है, सड़क हो गई है बहुत ही छोटी, मतलब अगर सामने से कोई आ जाए मैं तो चुपचाप उस साइड पे चले जाऊंगा, इधर नहीं जाऊंगा। नहीं 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 जाऊंगा रे भैया। मजाक की बात है यार, लेकिन सड़क ना एक्चुअली बहुत बहुत संकरी है, बहुत छोटी है। This was scary. Just look at this. Kya depth hai yaar. Kya depth hai. This is not a place for the people with lesser heart, I'll tell you, because yes, मतलब कोई भी physical परेशानी नहीं है इसमें, कोई भी सांस लेने में दिक्कत नहीं हो रही, कोई भी सिर भारी नहीं हो रहा, मतलब वैसी कोई चीज़ नहीं हो रही। लेकिन जो ये रास्ता है ना, ये बहुत सारे लोगों को ना डरा देगा। जय माँ शेरा वाली, जय माता दी, क्या मस्त जगह पे मंदिर है। यहाँ पे वैसे भगवान की याद आ रही होती है, ऊपर से मंदिर देख जाए तो साक्षात भगवान के दर्शन हो जाते हैं ऐसा लगता है। पर समझो जब ना एडवेंचर थोड़ा सा बढ़ जाता है ना, मतलब थोड़े से ये मुश्किल हो जाता है टेरेन वगैरह, मेरे को ना अंदर से अच्छा लगना शुरू हो जाता है। मैंने तो बोला ही था लोचा है हमारी वायरिंग के अंदर, आप उनकी वायरिंग कुछ तो भी लोचे वाली है भैया। ऐसा रास्ता हो और इतनी ख़राब सड़क हो, पिछले एक दो किलोमीटर से ना बिल्कुल इसी तरह की सड़क है, मतलब सड़क है ही नहीं, बहुत आराम से चलाना पड़ रहा है इस पर। अरे भाई साहब मुझे लगता है ये सड़क ना पूरी एंड तक ऐसी ही है। तो फाइनली El Paraiso, the paradise homestay. It was hell of a ride. Oops, I did it again. कल भी exactly यही हुआ। होटल में पहुंच गए और पीछे नवीन जी की गाड़ी हो गई थी बंद ओवरहीट होके, फिर उसका जुगाड़ किया उसके लिए कैसे टो करके लाए, लेकिन जब तक वो स्टार्ट हो गई तो करते कराते में इतना लेट हो गए थे, इतना थक गए थे कि बिल्कुल व्लॉग का ध्यान में ही नहीं रहा कि इसको क्लोज कर दूँ, तो कल के व्लॉग का आज क्लोज कर रहा हूँ दोबारा से। सो आई होप आपको जो भी वीडियो में कंटेंट देखा अच्छा लग रहा होगा, एडवेंचरस लग रहा होगा, जो आप देखना चाहते थे एग्जैक्टली वही चीज़ दिख रही होगी। तो अगर ये सब कुछ दिख रहा है तो यू नो द ड्रिल, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी से, तब तक के लिए टेक वेरी गुड केयर ऑफ सेल्फ, मीट एंड ग्रीट सेइंग सत श्री अकाल की हालचाल, रब रखा माय वंडरलस फैमिली, लव यू ऑल, बाय बाय।